भले ही प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई है, बावजूद इसके दूरदराज के इलाकों में जमीन के धंसने से रिहायशी मकानों का ढहना जारी है। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के 12-20 क्षेत्र में दर्जनों घर जमीन धंसने के चलते असुरक्षित हो गए हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि उनके घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और कई घर गिरने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि वे दूसरों के घरों की शरण में लेने को मजबूर हो रहे हैं। इन प्रभावितों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें तुरंत किसी दूसरी जगह पर सुरक्षित बसाया जाए। सारा टूट गया है मकान, कुछ नहीं रहा मेरे पास, तो खेत भी कुछ भी नहीं है, बढ़ाने के लिए भी जगह नहीं रही, कुछ भी नहीं। रात को कहाँ बाहर रहते, त्रिपाल में कभी आता, सांप कभी आते, इतने इतने ऊपर से इतने इतने बोर्ड आए। परसों भी तो रात को उठ लो पड़ा, यहाँ से बाहर ही रहते हम त्रिपाल के नीचे ना, फिर आए वो सांप, फिर गए अंदर, कहाँ थोड़ी जैसी रसोई है वो भी ऐसे जा रही है, और परे को खत्म। सरकार तुरंत मार को कुछ करे, नहीं तो कहाँ जाए हम, कौन है हमारा, कुछ कोई कुछ भी नहीं हमारे पास। तो हमारा घर सारा बैठ गया नीचे, सूखे में बैठ रहा है, बारिश में तो वैसे भी हम डर रहे हैं, बाहर रहते हैं रात को, सूखे में भी गिर रहा है। अब आप ये देख लो, हमारी मदद करो, क्योंकि हम रात को भी नहीं सो सकते बच्चे के साथ अंदर, बहुत बुरा हाल हो रहा है। रात को भी बाहर गाय रखे है, उनको भी खतरा है, बाहर जानवरों से भी और ऊपर घर से भी। हमारे घर में दरारें आ रही, बहुत जो फर्क पड़ रहा है घर घरों में जी, और रहने लायक नहीं जी, जमीने जा रही है, बगीचे जा रहे हमारे जी। हमारा घर पूरी तरह से टूट चुका है और दरारें पड़ी हुई है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं, और हमने खाली कर दिया है, औरों के घर में रह रहे हैं। तो सरकार से कोई मदद नहीं मिली हमारे लिए आज तक। मैं चाहती हूँ कि हमारी सहायता करें।